जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग टीजीटी पीजीटी में कला वर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का कवरेज है। लगभग 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ये चैप्टर संख्या 10 है और इसमें 202 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज शुरू होगा प्रश्न संख्या 203 से। ये सूचना उन मित्रों के लिए है जो अभी इस चैनल पे नए हैं, और अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले आगे की वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है, गायिकाएँ चित्र बाघ गुफा की किस संख्या की गुफा में उपलब्ध है? गायिकाएँ चित्र गुफा संख्या 4 में उपलब्ध है। इसमें से 9 गुफाएँ हैं, 9 में से कई गुफाएं तो अभी खराब हो चुकी हैं, लेकिन गुफा संख्या 4 में गायिकाएं चित्र उपलब्ध है। 204 नंबर का प्रश्न गलत है। 205 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? तो आप प्रश्न को पढ़ के जान सकते हैं कि इसमें बाकी तीन ऑप्शन तो क्षेत्रफल से संबंधित तो है नहीं। पहला ऑप्शन ही सही होगा, 22x18 फिट। बाघ गुफाओं को जाना जाता है। वहाँ के लोकल लोग बाघ गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जानते हैं। 207 नंबर का प्रश्न, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ गुफा चित्रों पर अजंता और कुछ एलोरा का भी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 208 नंबर का प्रश्न, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो जैसा कि हम लोगों ने एलोरा की गुफाओं को पढ़ा है, एलोरा की गुफाओं में क्या नाम है, फ्रेस्को तकनीक। अच्छा, इसमें से ऑप्शन वो नहीं दिया है, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ग्लू रंग चित्रण तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परा पद्धति और फ्रेस्को विधि से किया गया है, तो इसमें ग्लू रंग चित्रण दिया, तो ग्लू रंग चित्रण होगा। 209 नंबर का प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किसने की? बाघ की गुफा की खोज डेंगर फील्ड ने किया है। डेंगर फील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की है। बाघ की गुफाएं बाघिनी नदी के तट पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। 210 नंबर का प्रश्न, बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया गया? तो लेफ्टिनेंट डेंगर फील्ड ने सबसे पहले इसको पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया। 211 नंबर का प्रश्न, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो बाघ गुफाएं धार जिले में बाघिनी नदी के तट पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। 212 नंबर का प्रश्न, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग किए जाने वाली तकनीक क्या है? तो इसमें उपयोग किए जाने वाली तकनीक है टेम्परा तकनीक। एलोरा गुफाओं में भी, अजंता गुफाओं में भी टेम्परा तकनीक इस्तेमाल किया गया था। अगला है, बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? 213 नंबर का प्रश्न, तो बाघ गुफाओं की अवधि आपका सातवाहन वंश के काल के में माना जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 214 नंबर प्रश्न, अब यहाँ से बादामी गुफाएं शुरू हो जाती हैं। बादामी गुफाओं के बारे में हम आपको बता दें, बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और ये यहाँ पे 4 गुफाएं हैं, जिनमें से पहली, दूसरी, तीसरी गुफा हिंदू धर्म से है और चौथी गुफा जैन धर्म से है। हिंदू धर्म में ये तो जय वो सैन वो शैव और वैष्णव दोनों धर्म से संबंधित हैं। इनमें से गुफा संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी खोज की अगर बात की जाए तो इनकी खोज स्ट्रेला कैम्ब्रिज ने किया था। अगर इनका लोकेशन पूछा जाए किस पर्वत श्रेणी पे है, तो बादामी की गुफाएं आपका बीजापुर पर्वत श्रेणी पे स्थित है। चलिए, अब अच्छा
एक बात और कि इनका इन जैसे कि हमने देखा बाघ की गुफाएं, अजंता गुफाएं, इनका प्रतिचित्रण असित कुमार हल्दर ने तैयार किया था, लेकिन बादामी की गुफा का प्रतिचित्रण जेएम अहिवासी ने तैयार किया था। अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 214 से। 214 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी दिल्ली में है, ठीक, के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? तो ये बनाए थे जेएम अहिवासी ने, जैसा कि हम आपसे पहले बता चुके हैं। 216 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित हैं? तो यहाँ पे कुल चार गुफाएं हैं, जिनमें से तीन ब्राह्मण धर्म से और चौथी जैन धर्म से है। 216 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण है तीसरी गुफा, जिसका निर्माण चालुक्य नरेश मंगलेश ने करवाया था, और इन्होंने इस स्टेटमेंट भी वहाँ पे लिखा है इस गुफा के बारे में कि अगर आप मंगलेश के कला प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं तो इस गुफा के दीवार भित्तियों को और छतों को, यहाँ के स्तंभों को देखकर रसास्वादन कर सकते हैं। इस गुफा में खास बात यह है कि इसके छत पे, मतलब जिसे हम लोग सीलिंग कहते हैं, सीलिंग पे एक कमल कुंज का चित्र बना हुआ है, जिसमें पक्षियां हैं, पशु हैं, जलचर हैं जैसे मेंढक, सॉरी मछली, और उभयचर में मेंढक हैं और तमाम जीव जंतु हैं। कई पेड़ पौधे हैं इसमें, और एक बहुत सुंदर चित्र वहाँ पे किया गया है। तो गुफा संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्ट्रेला कैमिलिस का मानना है कि बादामी की गुफाएं शैव विवाह से संबंधित हैं, उनका ये मानना है। चलिए, 217 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? आप जानते ही हैं बादामी गुफाएं, हमने बताया, हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित हैं, और जैन धर्म में तो है ही। तो उपर्युक्त सभी मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 218 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट्स आर्ट्स के लेखक कौन है? तो एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक हैं आपका स्ट्रेला कैम्ब्रिज। स्ट्रेला कैम्ब्रिज की खास बात यह है कि इन्होंने विष्णु पुराण का अंग्रेजी माध्यम में ट्रांसलेशन किया था, और अंग्रेजी माध्यम में ट्रांसलेशन आनंद कुमार स्वामी ने भी किया था, ये श्रीलंका के निवासी हैं। इन दोनों ने क्या नाम है कि विष्णु पुराण का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था, ट्रांसलेशन किया था। कभी कोई पूछ लेता है विष्णु पुराण किसने लिखा है, तो विष्णु पुराण लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। उन्हीं में से एक पार्ट निकाल के जयमंगला टीका बना है यशोधर पंडित के द्वारा। यशोधर पंडित के बारे में पूछा जाता है यशोधर पंडित कौन है, तो ये आपके इधर जयपुर के शासक जय सिंह के यहाँ ये दरबारी थे, यशोधर पंडित। इन्होंने ही खटांग की रचना की, और जयमंगला टीका में खटांग के बारे में बताया गया है। खटांग में 6 अंग आते हैं, रूप, भेद और तमाम, जो हमने इसके पहले आपसे बात किया था, इसके पहले के वीडियो में है वो सारी चीज़ें, रूप भेद प्रमाणानि भावलावण्यं योजनाम इत्यादि करके जो पूरा सूक्ति है उसको अगर याद कर लेंगे, उन्होंने ही लिखा था। तो चलिए, सब तमाम बातें हो गई, अब आगे देखते हैं 219 नंबर का प्रश्न। अच्छा, इसका 218 का हमने बताया जवाब कि अब लिखा भी है स्ट्रेला कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 219 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा, शिवा की उस उपस्थिति किसने लिखी? जिन्होंने इसकी खोज की उन्होंने ही लिखा स्ट्रेला कैम्ब्रिज। इन्हीं का मानना है कि वहाँ पे शिव विवाह से संबंधित चित्र है, नटराज से संबंधित चित्र है, इत्यादि चित्रों को उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेला कैम्ब्रिज। 220 नंबर का प्रश्न कह रहा है बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं? तो बादामी गुफाएं हमने शुरू में ही बताया कि बीजापुर पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं,
न कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे, और हिमालय तो सबसे उत्तर में है तो वहाँ पे है नहीं, ये बीजापुरी कर्नाटक में पड़ता है तो वहीं पे होगा। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो स्ट्रेला कैमरिस को। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? तो इस गुफा का रंगीन चित्र 1938 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। तो प्रश्न संख्या 222 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 223 नंबर का प्रश्न, शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? तो हमने आपसे बताया, कई बार इस बारे में बताया कि बादामी गुफा से शिव विवाह से संबंधित दृश्य प्राप्त हुआ है। 224 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बादामी गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बादामी गुफाएं आपका चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। चालुक्य शैली आपका कर्नाटक में है, जिसकी राजधानी आप बीजापुर मान सकते हैं। 225 नंबर का प्रश्न, कागज पर चित्र सबसे पहले कब बनने शुरू हुए? तो 14वीं शताब्दी में कागज पर चित्र बनना शुरू हुआ, और सबसे पहले कागज का निर्माण हम कह सकते हैं चीन में प्रारंभ हुआ था, और 14वीं सदी में इसमें मतलब चित्र बनने शुरू हो गए थे। भारत में लगभग 15वीं सदी के आसपास शुरू हो गया था। 226 नंबर का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया? तो चालुक्यों ने करवाया था बादामी गुफा का निर्माण। गुफा संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण, कुमार मंगलेश के द्वारा बनवाया गया। 227 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बादामी गुफाओं को डैश डैश के तहत विकसित किया गया? तो चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। 228 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बादामी की गुफा संख्या 1 की छवियां क्या है? बादामी गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में भगवान शिव को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बी तो वैसे भी नहीं, क्योंकि बुद्ध से संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ पे कोई गुफा नहीं है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आ सकते हैं डी को लेकर, कि जैन तीर्थंकर का है, लेकिन जैन तीर्थंकर गुफा संख्या 4 में है, जैनों के बारे में है। 229 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां क्या हैं? तो हमने बताया गुफा संख्या 4 में जैन से संबंधित है, तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर का चित्र है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आगे चलते हैं 230 नंबर प्रश्न में, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा मंदिर आपका कर्नाटक में स्थित है। 231 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 231 नंबर प्रश्न, हाँ, यहाँ से सिंगिरिया गुफा शुरू हो जाती हैं। तो चलिए सिंगिरिया गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 231 नंबर का प्रश्न है, सिंगिरिया गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो सिंगिरिया गुफाएं आपका ये श्रीलंका में स्थित हैं। इसका ओरिजिनल नाम था सिंहगिरी, सिंहगिरी, तो इसी के नाम पे अपना बन गया सिंगिरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे हम बता दें, सिंगिरिया गुफा खास बात यह है कि यहाँ पे महिलाओं के चित्र सबसे ज्यादा है। देखिए कुल मिला के यहाँ पे 6 गुफाएं उपलब्ध थी, 6 में से 4 में चित्रण किया गया था, 4 में भी 2 अभी शेष बचे हुए हैं, 2 में जिनमें चित्रण किया गया है, और 2 में उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, गुफा संख्या ए और बी। ए में 4 चित्रण हैं और बी में 17, बी की 17 महिलाओं की है, महिलाएं हैं, और इनमें से एक पुरुष की, बाकी सब महिलाएं हैं। तो यहां से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आगे, सिंगिरिया गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? श्रीलंका में। कंफ्यूजन में न पड़िएगा सित्तनवासन और सिंगिरिया में, क्योंकि सित्तनवासन आपका तमिलनाडु में है, सिंगिरिया आपका श्रीलंका में है। 232 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो
तो इंगीरिया की गुफा राजा कश्यप ने इनका निर्माण कराया था। 233 नंबर का प्रश्न आपके सामने, 233 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि वास्तुकला, चित्रकला और मूर्ति कला का उत्तम संगम कहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए, एक तो अजंता में दिखाई देता है और दूसरा आपका सिंगेरिया में दिखाई देता है। एलिफेंटा में चित्रकला नहीं है, बाघ में मूर्ति कला नहीं है, यहाँ पे भी चित्रकला नहीं है। स्थापत्य कला तो चारों में है लेकिन अन्य चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अजंता और सिंगीरिया में दोनों में है। 233 नंबर का प्रश्न कह रहा है श्रीलंका में कौन सी गुफा स्थित है। चित्तनवासन आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, बादामी गुफाएं कर्नाटक में, सिंगीरिया गुफाएं आपका श्रीलंका में स्थित हैं। 235 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है। तो एक तो बाघ की गुफाएं अजंता गुफाएं के समान है, तो इसीलिए बाघ नहीं दिया बाघ दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाता है। सिंगिरिया गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 236 नंबर का प्रश्न, सिंगिरिया गुफाएं किस देश में है। तो ये फिर से आ गया, श्रीलंका में स्थित है। 237 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है सिंगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते हैं। तो ये अजंता की गुफाओं की चित्रकारी से इनके चित्र मिलते हैं, अजंता की गुफाओं से संबंधित है बाघ की गुफाएं भी। 238 नंबर का प्रश्न कह रहा है सिंगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं। तो यहाँ पे 17 और 4 21। अच्छा, हमने वहाँ पे चार चित्र बताया था, यहाँ पे 5 चित्र होगा। तो ये 2 गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं, एक मिनट चल जा भाई, 6 गुफाएं हैं, 6 में से 4 शेष हैं, इनमें से 2 में चित्रण है, इनको 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया गया। इनमें 5 चित्र हैं, इनमें 17 चित्र, इनमें 17 में सभी महिलाओं की है और इनमें 5 में एक को छोड़ करके 4 महिलाओं की है। तो 17 4 21, 21 चित्र महिलाओं के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले इसको रफ कर दें। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 21 चित्र महिलाओं के बने हुए हैं। अगला प्रश्न सित्तनवासन के बारे में पूछा है, सित्तनवासन आपका तमिलनाडु में स्थित है। कह रहा है 239 नंबर प्रश्न, चित्तनवासन गुफा चित्रों का विषय इनमें से किसमें से संबंधित है। तो ये चित्तनवासन की गुफा जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से नहीं। 241 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अच्छा 240 पहले आएगा, 240 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सित्तनवासन है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 241 नंबर प्रश्न सित्तनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न 242 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं निर्मित है। तो पादुकोट्टा में सित्तनवासन की गुफाएं निर्मित हैं। 243 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है चित्तनवासन की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ पर चित्रित है। तो ये छत पे चित्रित किया गया है। 244 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा, किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। तो ये आपका चित्तनवासन की गुफाओं में मिलती हैं। 245 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है चित्तनवासन गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। 246 नंबर का प्रश्न चित्तनवासन की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं। तो ये आपकी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। 247 नंबर प्रश्न चित्तनवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। 248 नंबर प्रश्न चित्तनवासन बाघ तथा माता नजेरी के लिए प्रसिद्ध है भित्ति चित्र।
249 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से एक स्थान का संबंध रीत भित्ति चित्रकला से जुड़ा हुआ है। तो भित्ति चित्र से जुड़ा हुआ है आपका चित्तनवासन। 250 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, चित्तनवासन गुफाओं के छत पे कैशड्रस की छवियां दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे कमल सरोवर की छवि दिखाई देती है। 251 नंबर प्रश्न, चित्तनवासन गुफाएं स्थित हैं, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, 251 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके, लगभग 50 प्रश्न आज के भी कंप्लीट हो चुके हैं, और डेली लगभग 50 प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। जो भी मित्र डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मुकम्मल करना चाहते हैं, वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।